नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारा समाज विविधता से भरा अध्याय का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने अपने परिवेश के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार हमारा विद्यालय और हमारा परिवार एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। साथ ही हमने अपने देश की विविधता के कुछ एक बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला था। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में विविधता के कुछ अन्य प्रकारों को, जिसके अंतर्गत खान पान की विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे, भाषाओं में किस प्रकार विविधता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, परिधान अथवा पहनावे में विविधता के साथ साथ आर्थिक विविधता का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खाने पीने में दिखाई देने वाली विविधता से। बच्चों, भारत के अलग अलग भागों में खाने पीने के मामले में बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे हमारे झारखंड में मड़ुवे की रोटी, छिलका रोटी बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी पसंद की जाती है। दक्षिण भारत में इडली डोसा तथा बंगाल में मछली भात का विशेष महत्व है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं भाषाई विविधता की। बच्चों, भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा का रूप बदलता जाता है। बच्चों, पूरे भारतवर्ष में लगभग 1700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बच्चों, हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। आइए अब अपने देश की वेशभूषा के बारे में एक नज़र डालते हैं। बच्चों, देश के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। लोगों की वेशभूषा अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। अपने झारखंड में धोती कुर्ता और सिर पर गमछा पहना जाता है। पंजाब की महिलाएं सलवार कमीज और दुपट्टे का प्रयोग करती हैं। वहीं बंगाल में साड़ी तथा राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली का पारंपरिक परिधान है। आइए बच्चों, अब अगली कड़ी आर्थिक विविधता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, अपनी जीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की अधिकतर आबादी खेती के कार्य से अपनी जीविका चलाती है। बच्चों, कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन तथा खनन आदि क्रियाएं भी जीवन चलाने के साधन हैं। बच्चों, हमारे देश में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, कंपनियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में भी अनेक लोग काम करते हैं और कुछ लोगों का अपना खुद का कारोबार है। आइए अब अंत में हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, आज हमने हमारा बहुरंगी विविधता वाला देश भारत के बारे में जाना, भारत की विविधताओं के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत हमने खान पान की विविधता के बारे में पढ़ा, हमने भाषाई विविधता के बारे में जाना, हमने अपने देश में विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं का अध्ययन किया, साथ ही आर्थिक विविधता का भी हमने अध्ययन किया। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा वह हमारे भारत को विश्व में सबसे अलग करता है, क्योंकि भारत ही विश्व में सबसे अधिक विविधता वाला देश है। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इन सभी विविधताओं में एकता की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में हम भारत की विविधता में एकता के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी किस प्रकार यहाँ एकता कायम है। इसके अलावा हम झारखंड के प्रमुख मेलों की चर्चा भी करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।